हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 77 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोगियान माल बेच रहा होता है, तभी आकर वो कहता है, उसका पार्टनर आकर उससे कहता है, जो हम माल बेच रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो उसकी प्राइस है वो वाकई में बहुत ज़्यादा कम है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम वाकई में पूरी तरीके से लॉस में चले जाएंगे। और जो हमारे बायर्स हैं वो पूरी अच्छे तरीके से फाइटर्स हैं सभी के सभी, और वो अगर सभी के सभी लोग कंबाइंड हो गए तो ये अच्छा नहीं होगा। तभी जो कोगियान होता है उससे कहता है, इस बारे में तुम गलत हो। जो अपना जो गोल है वो मनी पाना नहीं है, बल्कि मैं रेपुटेशन पाना है। जो एक इंसान है वो 10 लोगों को बताएगा, जो 10 लोग हैं वो 100 लोगों को बताएंगे, जो 100 लोगों में 1000 को बताएंगे, 1000 लाखों को बताएंगे, लाख करोड़ों को बताएंगे। इस तरीके से हमारी रेपुटेशन बढ़ती जाएगी। और कोई उससे कहता है, जब हमारी रेपुटेशन अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी तो तुम उसकी बात उस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारी वाइन बहुत ज़्यादा अच्छे मेडल अच्छे प्राइस में बिकेगी या नहीं बिकेगी। हमारी वाइन पक्का बिकेगी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में। और उस समय पर सभी सभी बड़ी बड़ी फैमिली जितनी भी फैमिलीज हैं इस एरिया में, सभी की फैमिलीज की जो आँखें हैं वो ली फैमिली पर के बिजनेस पर आकर टिक जाएंगी। तभी में दिखाया जाता है जो सुतुतु है वो लड़के के बेस में आकर सारी की सारी वाइन बेच रहा होता है और बोलता है, बाद में मिलते हैं, वापस ज़रूर आना। तभी एक बंदा वहाँ से भागते हुए जाकर बोल रहा होता है, ली फैमिली ने मूव मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया है, मुझे अभी की अभी जाकर सेकंड एडलर को बताना होगा। और एक बंदा आकर कहता है, अभी जाकर मुझे ये बात मास्टर को जाकर बतानी होगी। तभी जो कोगियान होता है अपना मास्क निकालते हुए कहता है कि ये हमारे लिए बड़ी मछली को फंसाने का अच्छा मौका हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है दो लोगों को, वो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर बोलते हैं, क्या तुमने अभी क्या कहा? जो तांग फैमिली के सेकंड एल्डर होते हैं वो उससे कहते हैं, जो ली फैमिली है वो एडवांटेज उठाना चाहती है हमारी फाइट का सू फैमिली के साथ में, और वो हमारे मेडिकल मार्केट को अपना हथियारा चाहती है। तभी जो बंदा उसे रिपोर्ट करने के लिए आया होता है वो उसे बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सच है। तभी जो जिया कोंग होती है, जो लड़की होती है, मास्टर होती है कॉमर्स की, वो कहती है, आखिरकार इस ली फैमिली के यंग मास्टर के पास ये सीक्रेट रेसिपी आई कहाँ से, जो कि सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी वाली वाइन मेडिकल वाइन बना सके। तभी जो रिपोर्ट करने के लिए आया होता है वो बोलता है, मैंने इस वाइन को ट्राई कर लिया है तो ये बुरी तरीके से फेक नहीं हो सकती। तभी वो बंदा कहता है, मैंने ये सुना है कि उसका जो नया दोस्त है कोगियान, उसने उसे ये वाइन का रेसिपी दी है, मुझे लगता है कि वे कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तभी जो जिया कोंग होती है उससे कहती है, तुम इसके बारे में इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? हम ऐसे लोगों से पहले भी कई ज़्यादा लोगों से मिल चुके हैं, इस तरीके के लोगों से। जो हमारी कंपनी है उसमें टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, तो पहले जाकर सिचुएशन का नायजा लेते हैं आखिर क्या चल रहा है। और कहती है, इस तरीके से तुम अगर अपने मनी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें रिच दिखना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है, वो आदमी उससे कहता है, वो एल्डर उससे कहते हैं कि जो ली फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, हमें उसका फेवर पाना होगा, उन्हें हमें अपनी साइड कर लेना चाहिए, सभी के सभी लोगों जाकर बता दो, जो भी उसके साथ हमारी डील फिक्स करवा देगा हम उसे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे तांग फैमिली की तरफ से। तभी हमें दिखाया जाता है क्योंकि इनको, तुम अभी अभी सिर्फ लेवल 3 पर हो, तुम अभी भी मेरी शॉप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, मतलब कुछ लोग आकर उसकी शॉप को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। कोगियान बस एक लात लेकर उसे भगा देता है। तभी वो बंदा आकर कहता है, हम भी इंटरमीडिएट लेवल पर है लेकिन फिर भी हम इसे क्यों नहीं हरा पा रहे हैं, इसके जो अटैक है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आखिरकार तुम हो कौन? तभी कोगियान उसे कहता है, मेरा नाम कोगियान है और मैं एक बिजनेस मैन हूँ, जाकर अपने मास्टर को बता दो अगर वह अभी भी मेरी शॉप के साथ और मेरे साथ पंगा लेना चाहते हैं तो। तभी अचानक से कोई उस पर एक चाकू से अटैक कर देता है, कोगियान उसे सेंस कर लेता है, उसको डॉज करते मन में सोचते बोलता है, क्या किसी ने मेरे पर चुपके से अटैक किया? और बोलता है, आखिर वहाँ पर कौन है? तभी एक असैसिन कोगियान पर अटैक करते हुए बोलता है, मैंने बिल्कुल उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम मेरे इस अटैक को इतनी आसानी से डॉज कर लोगे। तभी इसका नाम होता है तांग फैमिली से आया होता है, इसका नाम तांग युआन होता है, तब इसे युआन ही कहेंगे। तभी जो युआन होता है उससे कोगियान से कह रहा होता है, तुम वाकई में मेरे हाथों से मरने के लायक हो, मतलब काबिल हो, और सीधे आकर उसके पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, चलो थोड़े मजे करते हैं, और कोगियान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और कोगियान भी अपने स्काप बोर्ड से उसके अटैक को इजिली डॉज कर लेता है। और वो जो युआन होता है ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और एक्साइटमेंट से भर जाता है और बोलता है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। और दोनों की फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और बोलता है, मैं वाकई में तुम्हारी फाइट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ। तभी कोगियान मन में सोचते बोलता है, इसका जो फ्लो है उसको देखते मैं इसे असली हरा सकता हूँ, और कोगियान सीधे उसके पेट में अपना हाथ घुसेड़ देता है। और जो यान होता है वो चिल्ला रहा होता है, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है, पहले तो जाके लड़ोगे फिर कहोगे चिल्लाओगे, दुख रहा है दुख रहा है।
और बोलता है मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ, और हंसने लगता है बाद में और बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो थोड़े और फन करते हैं। और कुंगिया फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और कुंगिया ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है ये अभी भी इतनी आसानी से बिल्कुल इजिली मूव कर सकता है, तो इसकी वेस्ट है वो पूरी तरीके से डैमेज कर दिए मेरे द्वारा। तभी जो युआन होता है उससे कहता है मुझे अपने जो कपड़े वो बदलने की जरूरत है, ये कितना ज्यादा परेशानी भरा है। तभी जो पार्टनर होता है उसका आकर कुंगिया से कहता है, तो फैंग होता है उससे आकर कहता है मैंने इसकी उम्मीद भी नहीं की थी, ये तो एकदम मैड मैन है, इसे तो दर्द भी महसूस नहीं होता है, मैंने ये सुना है कि ये माउंटेन ऑफ डेड पीपल से आए हुए हैं और इन्हें हैंगमैन कहा जाता है। तभी जो कुंगिया होता है वो उससे कहता है इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाया, इसे दर्द तो महसूस ही नहीं हो रहा। तभी फैंग उसे देख कर कह रहा होता है आखिरकार तांग फैमिली के पास इस तरीके की फोर्स कैसे है, मतलब पीपल कैसे है, लोग कैसे हैं। तभी जो कुंगिया होता है वो उससे बोलता है तो अगर ऐसी बात है तो मुझे उसे मारना होगा अच्छे लोगों के लिए, और सीधे जाकर दोनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं दोनों साइड से लेफ्ट एंड राइट से। और तभी जो युवान होता है बोलता है अच्छी बात है आज मैं दो बड़े लोगों को मारूंगा, और बोलता है मेरे अटैक को एक्सेप्ट करो, और दोनों मिलकर फाइट करने लगते हैं और दोनों की ताबड़तोड़ फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जो कुंगिया पीछे से उस पर अटैक करता है लेकिन जो युवान होता है वो अपनी फुल फोर्स रिलीज करता है और बोलता है ये वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इतना ज्यादा ब्लड लॉस नहीं किया है जितना अब किया है, और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तुम अभी भी मेरे मुकाबले बहुत ज्यादा वीक हो, मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं मारना चाहता डायरेक्टली, लेकिन मैं तुमको कैप्चर करना चाहता हूँ और धीरे धीरे टॉर्चर दे के मारना चाहता हूँ और खूब मजे करना चाहता हूँ। तभी जो कुंगिया होता है उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है लेकिन वो तुम हो जो मेरे जाल में आकर फंस गए हो, और बोलता है कुंगिया खैर वो सब छोड़ो लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो ही नहीं है, अब तुम हार चुके हो, और बोलता है बाय बाय। और पीछे से एक रोबोट सा कुछ आया दिखाया जाता है और वो सीधे जाकर युआन के गले पर काट लेता है, वो डॉगी जैसा पता नहीं क्या रोबोट है। और तभी कुंगिया उससे कहता है आखिरकार तुम आ गए, और तभी जो कुंगिया होता है उससे बोलता है तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हमें देखा लगता है ज्यूसू फैमिली का हेड आया होता है और बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और जब मास्टर सू और उसका कुत्ता आ गए होता कुछ रोबोट जैसा है इसमें पता नहीं रोबोट कहाँ से आ गए। तभी वो मास्टर जो उसे ऑर्डर देते हैं वन से अपनी चीजें को कलेक्ट कर लो, इन लोगों को डिस्टर्ब करना बंद करो, और बोलता है ये जियोली और कुंगिया वाइन वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कैसा लगेगा तुम लोग अंदर आ जाओ। तभी जो मास्टर सू होते हैं उससे कहते हैं तुम कुछ भी नहीं जानते हो यहाँ के बारे में, तुम सिर्फ अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हो, जो ब्लैसिंग है वो वाकई में बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब चलो चलो अब हीरो आ चुका है तुम्हें बचाने के लिए। तभी जो सूत है उससे कहता है ये तो अंकल सू है, अंकल सू ने हमें ये अमाउंट दिया है, पैसे दिए हैं, काफ़ी समय पहले की बात है तब दी थी हमें, और हम इसे पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। और तभी फैंग उससे कहता है हम बिजनेस करने में इतना ज़्यादा बुरे भी नहीं है, हम तुम्हारी बातों में आकर बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और तुम्हें कमीशन नहीं देंगे। तभी जो मास्टर सू होते हैं अंकल जो जिया सू होते हैं वो उससे कहता है तुम ये कैसा कह सकते हो, मैं बस केयरफुली इसको प्लान कर रहा था, जो तुम्हारा बिजनेस है वो नेबर की सिटी में सक्सेस ही नहीं हुआ है बल्कि मैं तुम्हें मेरी मशीन की जरूरत पड़ेगी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। और बोलता है अगर मैं पूरी तरीके से गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारा वाइन का इंग्रेडिएंट है वो सन रियलमी बीट से आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि तुमने आखिरकार टॉप मास्टर के लिए क्या प्रिपेयर किया होगा। तभी जो कुंगिया होता है उससे कहता है हम बाद में मिलकर काम करेंगे, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम की बात नहीं होगी अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ, और सच बात ये है कि हम यहाँ पर पहले मतलब सुतुतु और मैं इस सिटी में आने से पहले की बात है, और वो बताने लगता है कि कैसे उसे वो बीस्ट मिला था, और बोलता है कि हम यंग यंग रियलमी वाले बीच से चेस्ट किए जा रहे थे, पीछा किया जा रहा था, उसे एक मिनट निकालता है अपने स्पेशल रिंग से, और वो उसी को एक तभी हमें देखा जाता है रोबोट जैसे घोड़े भी होते हैं यहाँ पर, मतलब सबको रोबोटिक मटेरियल होता है टेक्नोलॉजी से बना हुआ, और वो किस तरीके से मैन टू मैन बिजनेस कर रहे थे, और वो बताता है सभी को कैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और वो बताता है कैसे मेडिकल लिक्विड को हम स्टार्ट करेंगे और हमने कैसे खूब सारे पैसा कमाया महीनी छापा। और तभी मैंने दिखाया सुतुतु जैसे पैसे गिनता और बोलता है हम वाकई में बहुत ज़्यादा रिच हो गए हैं। और जो कुंगियान होता है वो उस बीस्ट के मीट से वाइन बना रहा होता है हाई लेवल पे, और अपनी डिवाइन फायर से मतलब लोटस अर्थ फायर से उसको सील कर रहा होता है। तभी सुतुतु कुंगियान से कहता है कि ये लास्ट बेस्ट था आज का हमारा। तभी कुंगियान उससे कहता है तुम इसे पहले भेज दो फिर हम दूसरी ट्रिप पर चलेंगे। और तभी सुतुतु कुंगियान से कहता है बस हमें कपड़े पहनने की जरूरत है और कुछ नहीं। तभी जो कुंगियान होता है उसे एक इनविटेशन मिलता है और बोलता है आखिरकार जो हमारे सभी के सारे इनविटेशन है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए हुए हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल होगा अगर हम इसके लिए तैयारी ना करें तो।
और ये ठीक नहीं होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे जल्दी दबा दो और बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसे ऑल पर सेट कर दो ताकि जो हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो गाइस आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा तो गाइस बाय बाय, और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है वीडियो। ज़्यादा इंतजार नहीं करते थे क्योंकि ये सीरीज काफ़ी लंबी चल रही है, तो सीधी सी बात है अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी तो ही आगे बढ़ाएंगे इसको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी मैं निपटा लेंगे धीरे धीरे करके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।